हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम एक्स एग्जांपल 1.2, ठीक है, हमें ऐड करना है 15.5 मीटर, 651.8 सेंटीमीटर, 4291 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास भाई इन सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बेटा मीटर जो है ना बेस यूनिट है हमारे पास, ठीक है, मीटर इज़ द बेस यूनिट। तो अब हम इन सबको जो है ना मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में, मिलीमीटर को भी मीटर में। तो 15.5 मीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद जो हम करेंगे 651.8 सेंटीमीटर को हमें करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे 651.8 डिवाइड बाय 100, तो हमें मिल जाएगा 6.518 मीटर। उसके बाद हमारे पास है 4291 मिलीमीटर, इसमें हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 4.291। ये अब हमें आ गया मीटर में। अब हम ये तीनों करेंगे प्लस, 15.5 प्लस 6.518, ठीक है, उसके बाद बेटा 4.291, 8 और 1 9 9 और 1 10, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, ठीक है बेटा, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 4 16, तो जवाब आ गया 26.309। अगर आपको इसे तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो 9 बेटा क्या है, 9 जो है ग्रेटर है मतलब 5 से, तो 26.31 हो जाएगा, 1 5 से छोटा है, जस्ट इसे ड्रॉप करेंगे 26.3, ठीक है, ये इसका 26.3 मीटर आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगी, वो हम देखेंगे। पहले तो एक ट्रिक है वो मैं करूँगी, उसके बाद बेटा, तो अब इसके अब है यहाँ पर आपके पास देखिए वैल्यू है 1.32 मल्टीप्लाई बाय 4.421। अब आपसे कोई कह रहा है कि भाई इसका जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आप तो ये कहेंगे भाई मिस 3 इसमें है, तो इसमें जो है ना 4 है, हम प्लस करेंगे इसमें तो 7 हो जाएंगे। नहीं बेटा, अब इसमें ट्रिक हमें मांगेगा कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कितने होंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने, मतलब किस में है बेटा, इसमें 1.32 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका जो आंसर आएगा ना उसमें 3 ही हम सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। अब इसको अगर MCQ वे में करें, अब जो 2 मतलब अगर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अब आपका जो 2 है वो 5 से छोटा है तो 1.3 रहेगा, ठीक है बेटा। फिर आपका जो 1 है, ठीक है, पहले हम ऐसे ही चलो कर लेते हैं, 1.32 इंटू 4.421, ठीक है, तो 4.421 1.32, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, ठीक है बेटा। अब 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12 एंड 1 13, फिर 1 1 1, 1 2 2, 1 4 4, 1 4 4, तो 2 4 और 3 7, 8 और 6 क्या हो गए 14 1 15, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 2 होंगे 13, 4 और 3 7, 7 1 8, ठीक है, 4 और 1 5। अब हमें पॉइंट कहाँ पर रखनी है भाई, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो आपको पॉइंट मतलब 5 डिजिट से पहले रखनी है, 1 2 3 4 5, तो आपकी पॉइंट आएगी यहाँ पर,
अब ये आंसर आया है 5.83572, मगर आपको ये आंसर नहीं रखना, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही रखने हैं। अब तीन कम है ना, तो आपका आंसर भी तीन तक हो। एडिशन में भी यही होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। अब तीन तक, टू आपका फाइव से छोटा है तो 5.8357 ही रहेगा। सेवन जो आपका है वो फाइव से बड़ा है, 5.836 हो जाएगा। सिक्स जो है वो फाइव से बड़ा है तो 5.84, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे मतलब हो गया, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई इस डिजिट में जो लास्ट में आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो देखिए तीन ही है, ठीक है बेटा। समझ आ गया आपको निमरता सिन्या, ठीक है। अब आपके पास अगर पूछ रहा है, अब मैं सॉल्व नहीं कर रही आपको, मैंने तरीका बता दिया है, 15.88 डिवाइडेड बाय 7.95, अगर इसको हम ऐसे लिखें 16, और इसको जो हम ऐसे लिखें 16 यस यस निम्रता बेटा 16 डिवाइडेड बाय 8, भाई 15.88 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, 7.95 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 2। अब इसका हम 2 भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर इसको हम ऐसे करें कि भाई 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 0.00, अब इसमें भी हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ठीक है बेटा। इसमें तीन कैसे बनेंगे, अब देखिए ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि भाई 2 के बाद में कुछ नहीं है, मतलब 0.00, ठीक है। अब हम तीन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आए वो, अब 15.88 और 7.95 आप इनको डिवाइड करेंगे, और आपको तीन इसलिए चाहिए, सबसे जो कम आंसर है उसमें 7.95 है, इस वजह से तीन है इसमें। तो हम इसको जब करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी 1.997, 7.5 से बड़ा है, राउंड ऑफ किया तो 9.0, ठीक है बेटा। और अब आपका ये 0 है, ठीक है। अब आपका जो 9 है वो बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 2.00। तो मतलब इसमें इस तरीके से तीन से, वैसे देखें तो नहीं है, मगर इस तरीके से हम करेंगे तो इसमें तीन हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है कि भाई 56 × 725 × 273 / 760 × 298, अब इसमें जो है कितने आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे, इसमें बेटा दो मिलेंगे हमें, क्योंकि देखें सबसे इसमें है दो सिग्निफिकेंट, इसमें है तीन, इसमें है तीन, इसमें है तीन, इसमें है तीन, तो सबसे कम है 56 में, तो जो आंसर आएगा उसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये हमारे हो गए। अब हम कर रहे हैं जो एक्सरसाइज में है प्रॉब्लम्स, वो चले एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है बेटा। 4 नंबर है कि 15.01 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 7000 में कितने हैं, 3.200 में कितने हैं, 0.004 में कितने हैं, ठीक है। तो 15.01, ज़ीरो देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। अब इसमें देखें यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद फिर 0 है, तो पॉइंट से पहले भी 0, पॉइंट के बाद भी 0, तो मतलब एक सिग्निफिकेंट ये इसमें, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है 3.200, अब ये पॉइंट के बाद पहले नॉन डिजिट है फिर 0 है, तो इसमें 4। फिर इसमें भी देखें पॉइंट से पहले भी 0, पॉइंट के बाद भी 0, इसमें 1, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास है जो हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई दूसरे पेज पे कर लेते हैं, कंजूसी नहीं करते। सिंप्ली
5। अब है हमारे पास 1.41 इंटू 3.546। ठीक है, अगर हम अब इसे सॉल्व करते हैं, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो बेटा कितने होंगे इसमें आंसर में, आप आंसर निकाल सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, और दूसरे भी जो हैं हमारे पास क्वेश्चन है 31.23 मल्टीप्लाई 4.56 अपॉन 9.41395, इसमें कितने 4, इसमें 3 और इसमें 6, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास देखते हैं कि भाई राउंड ऑफ का क्वेश्चन है कोई। यस, राउंड ऑफ हमारे पास है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक साथ ही हो गई, सही है। अब हम राउंड ऑफ को, ये ना और भी क्वेश्चंस हैं तो कल करेंगे, अभी बस कुछ क्वेश्चंस मेरे पास सिंथ एकेडमी के हैं क्वेश्चंस, उसके बुकलेट में हम देखते हैं। यस, हमारे पास है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है 29.2, ठीक है बेटा, माइनस 20.2, ये हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद है 1.79 इंटू 10^5, 1.79 इंटू 10^5, फिर इस रकम को हमें डिवाइड करना है बेटा, किससे करना है, 1.37 से। तो पहले भाई हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, इसे माइनस 20.2, 2 में 2 गया 0, 9, 29, तो 29 माइनस 1.79 इंटू 10^5 अपॉन 1.37। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम 3 नहीं कहेंगे, 3 ये, 5 ये 0, इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें जो बेटा है वो 2 है और इसमें 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, नंबर ऑफ, बेटा एक मिनट, अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, भाई इसमें है 2, इसमें 8, इसमें 3, तो सबसे कम आपको सिग्निफिकेंट फिगर किस में दिखाई दे रहे हैं, 29 में, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन अगर देखते हैं हमें मिलता है तो, एक मिनट बेटा, अब इसमें, हाँ ये रहा, अब ये तो आप खुद ही कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, और मैं देखती हूँ अगर मिलता है तो, इस पेज में भी नहीं है, नहीं बेटा अब नहीं, अब ये थे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, उसके जो है ना हमारे पास ये क्वेश्चंस थे। अब कल इंशाल्लाह हम राउंडिंग ऑफ डेटा करेंगे, फिर इन दोनों के जो मेरे पास 100 MCQs हैं वो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, मैं भी सोती हूँ अब, अपना बेटा बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।